स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है, अगर आपको कभी भी जो है किसी चीज़ को स्कैन करना पड़ता है, तो आज हम आपको एक ऐसे टूल से बताने वाले जिसके मदद से बहुत ही एकदम स्मूथली और पूरा जो है क्लीन फुल HD वाला जो है आप जो है स्कैन कर सकते हो, जिस तरह से कि प्रिंटर में स्कैन करते हो ठीक उसी तरह से कर सकते हो, और साथ ही साथ उसको जो अगर आप PDF में कन्वर्ट करके सेव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम आपको बाद में बताने वाले। एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है बनाया गया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का अब आपको जो है इसको यूज करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है नीचे में कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्शन वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह। तो यदि आप बिजनेस कार्ड अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे है नीचे में कई तरह का आपको जो है ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आपको जो है चेंज करना है, जैसे कि अगर आप फोटो को स्कैन करते हो तो उसके लिए अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ, तो आपको फोटो सेलेक्ट करना है। नॉर्मली अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे आपके सामने में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक पेज हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, बस सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने से पहले यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अगर आपको कुछ चेक करना है, देखना है, तो वो आपको देख लेना। इस तरह से यदि ये लाइन जो बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ पे जो बॉर्डर लगा हुआ अगर नहीं आएगा तो आपको जो इस तरह से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे बराबर करके, और उसके बाद यहाँ पे जो कन्फर्म बटन दिखाई दे रहा है नीचे में, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसको जो है फिल्टर वगैरह कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी आपका ये जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप इसको जो चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप इसको दोबारा एक बार ट्राई करना खींचने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो फिर से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्लैश वाला, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे जो थोड़ा सा सही तरीके से आपको जो है इसको खींचना है इस तरीके से। अब आपको जो हम क्वालिटी दिखाने वाले वो इसका क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देते हो आपके सामने में कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है आ गया यहाँ पे। तो जैसे आपका ये फाइनली हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट करना, जो भी फाइनली होगा यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा डन बटन। डन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जो है PDF बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि एक कॉपी जो आपके फ़ोन के गैलरी में भी सेव हो जाए तो यहाँ पे गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है सेव बटन जो दिखाई दे रहा है, सेव बटन, इसके ऊपर में क्लिक करना। उससे पहले यदि आप इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो पेंसिल का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देना, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसको यहाँ पे दोबारा जो है आपको सही के निशान पे टिक लगा देना, नीचे में सेव बटन पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देते हो आपके सामने में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको दिखाई देगा। अब इसको जैसे आप भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना, जिस डॉक्यूमेंट को आप भेजना चाहते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे में जो शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेना है, और WhatsApp सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करके जिनको भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनली WhatsApp सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा। इसको जैसे आप ओपन करोगे इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ PDF में भेजना है तो यहाँ पे जब भी आप इसको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हो ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको आ जाना है वापस। यहाँ पे वापस आने के बाद ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो नंबर जो दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको जो है मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने यदि आप इसमें कुछ रोटेट वगैरह करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो डन बटन पे क्लिक करना है। डन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन रहता है गैलरी वाला, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ PDF रखना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो अपना डॉक्यूमेंट जिसको भी आप भेजना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको अगर PDF दिखाई देगा, PDF अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं रहेगा तो आप अपने प्ले स्टोर में जा करके PDF को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक कर देना, नीचे में जो ऑलवेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे आप ऑलवेज बटन पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप फिर आपको दिखा देगा ये ऑप्शन, इसको आप यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक कर देना। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे में दो ऑप्शन दिखा देगा, शेयर कॉपी और यहाँ पे शेयर बाय लिंक। इसमें से दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर ले, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो, या फिर अगर दूसरा कोई पीडीएफ रहेगा तो आपको वहाँ पे जो अलग तरीके से खुलेगा। अब यहाँ पे आपको व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेना, जिसको भेजना चाहते हो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके सेंड बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके सामने में पीडीएफ चला गया। अब इस एप्लीकेशन को कैसे आप इंस्टॉलेशन करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना माइक्रोसॉफ्ट लेंस। तो ये जो है यहाँ पे आपको टाइप ओपन करना, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, किसी तरह का फेक नहीं है। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में बेफिक्र होकर के इंस्टॉलेशन कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में परमिशन वगैरह कुछ मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना। तो उम्मीद करते ये अपडेट आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।